नमस्कार। आज दिल्ली पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और दिल्ली में इस समय सुर्खियों में दो चीजें चल रही हैं। एक तो आम आदमी पार्टी जो हमेशा खबरें बनाती रहती है यहाँ पर, और दिल्ली को लेकर अध्यादेश पार्लियामेंट में लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में आने जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है कि दिल्ली में जो बीजेपी ने अपनी टीम नई बनाई बनाई है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने, उसमें एक नाम इंक्लूड किया जाता है कपिल मिश्रा का, और वो सारे अखबारों की आज की हेडलाइन बना हुआ है। दिल्ली से बात करेंगे हमारे साथ निहाल सिंह, पहले भी हमारे चैनल पर आते रहे हैं, स्वागत है निहाल आपका। कपिल मिश्रा के बारे में बताइए, ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी इसी में है कि कपिल मिश्रा की एंट्री हुई है, लेट हुई है, कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई, क्या इसकी राजनीति है? सर कपिल मिश्रा चूंकि 2019 में दिल्ली बीजेपी में आए और उनका पहले था कि वो करावल नगर से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का 2020 का दिल्ली का चुनाव। बमुश्किल जो है बहुत चर्चा हुई, बहुत मंथन हुआ और उनको दूसरी या तीसरी लिस्ट में मुझे जानकारी है, मतलब शायद मुझे याद आ रहा है कि उनका नाम जो है मॉडल टाउन विधानसभा से घोषित किया गया। तेजेंद्र बग्गा और कपिल मिश्रा को लेकर इंटरनेट में मतलब सोशल मीडिया पर काफी सवाल उठे, उसके बाद उनका नाम लिस्ट में घोषित किया गया। कपिल मिश्रा चूंकि आदेश गुप्ता जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उसके बाद से ही उनका नाम जो है इसके लिए चर्चा में था कि वो दिल्ली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उस समय चूंकि कपिल मिश्रा नए नए आए थे तो इस समय बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही थी कि उनको लेकर वो पद दे या कुछ करे, क्योंकि उनके जो जब आम आदमी पार्टी में जब वो गए तो उन्होंने कुछ इस तरीके के वाक्य किए जिसकी वजह से बीजेपी वालों के वो निशाने पर रहते थे। जब उनको 2000 आदेश गुप्ता की टीम बनी तो तब उनका नाम महामंत्री के लिए चला था, प्रदेश महामंत्री बनाने के लिए, लेकिन ऊपर से स्वीकृति नहीं मिली, इसकी वजह से वो नहीं मिल पाए। 2020 में विधानसभा चुनाव में उनको टिकट तो मिल गया, लेकिन अब जब चूंकि नई टीम बन रही थी वीरेंद्र सचदेवा की तो इसमें ये तय था कि कपिल मिश्रा को शामिल किया जाना है, लेकिन वो पेच फंस रहा था कि महामंत्री बनाए या फिर उपाध्यक्ष बनाए या सचिव बनाए। चूंकि कपिल मिश्रा इस दौरान जब वो किसी पद पर नहीं थे तो वो फिर भी अपने आप को एक्टिव करे रखे थे, चाहे वो हिंदू इकोसिस्टम की अपनी एक स्वयं की संस्था है वो, चाहे वो दूर दराज के मंदिरों में जाके मंदिरों की सफाई की अभियान चलाने की बात हो मंदिरों में, या दूसरे सांस्कृतिक हिंदू विचारधारा से जुड़े हुए दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की बात हो, तो कपिल मिश्रा सक्रिय थे। उनका ये तय था कि वो बीजेपी के पदाधिकारी बनेंगे, लेकिन किस पद पर बनेंगे इसको लेकर काफी मंथन हो रहा था, और यही वजह है कि कपिल मिश्रा का नाम जब दिल्ली भाजपा की टीम को घोषित किया गया तो कपिल मिश्रा का नाम उसमें लिस्ट में नहीं हुआ, नहीं आया, क्योंकि अगर वो आता तो हो सकता था कि वो उस पूरी बीजेपी की लिस्ट की सुर्खियों की वही बन जाते और बीजेपी की चर्चा नहीं होती, टीम नई टीम की। तो इसलिए मेरे जो सोर्स बताते हैं वो इसलिए था कि उनको बाद में घोषित करना ताकि वो एक एक तरीके से उनकी प्रेजेंस भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और उनकी चर्चा भी हो जाएगी और दिल्ली बीजेपी की भी नई टीम की भी चर्चा हो जाएगी। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि कपिल मिश्रा को दिल्ली प्रदेश में जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है, और 8 उपाध्यक्ष टोटल पार्टी में वहां पर बनाए गए हैं। मेरे ख्याल में 60-65 लोगों की टीम बनी है जो वीरेंद्र सचदेवा ने डिक्लेयर की है। और इससे पहले मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के विधायक बने थे, पहली बार करावल नगर से जीते थे 2015 में, और जो अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार थी उसमें मंत्री भी बने थे, और बहुत जल्दी इनकी अरविंद केजरीवाल से बिल्कुल खटपट जलमन हो गई थी। तो अब ये मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल से इनकी किस बात को लेकर मतभेद हुआ था जब इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी या इन्हें निकाला गया था? कपिल मिश्रा चूंकि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी का जो व्यक्ति होता है, बीजेपी की जो विचारधारा का व्यक्ति होता है वो दूसरी पार्टियों में आसानी से सेटल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं विचारधारा सामने आ जाती है। अब चाहे वो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार हो तो उस पर जो है वो कपिल मिश्रा सवाल उठाते थे, और कपिल मिश्रा ने जब बतौर मंत्री रहते हुए प्रगति मैदान में मुझे याद आ रहा है कि बतौर मंत्री रहते हुए महबूबा मुफ्ती का विरोध किया था और उनको हिंदू विरोधी तक बताया था,
अब इसके बाद आम आदमी पार्टी में उनकी चूंकि खटपट चल रही थी, आंतरिक कलेश चल रही थी, तो कपिल मिश्रा जो है कुमार विश्वास गुट के आदमी थे, तो कुमार विश्वास गुट को जो है कपिल मिश्रा थोड़ा सा अलग अलग किया जा रहा था पार्टी से, तो कपिल मिश्रा भी अपने आप को इसी तरीके का महसूस कर रहे थे। उनको पता चल गया था कि अगर कुमार विश्वास नहीं रहेंगे तो उनकी भी अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि वो कुमार विश्वास के जरिए ही पार्टी में टिकट लेने में भी कामयाब रहे थे, और तो और मंत्री बनाने में भी कपिल मिश्रा के लिए पीछे कुमार विश्वास का हाथ है। आपको एक वीडियो आपने देखा होगा अक्सर केजरीवाल का, जो लाइव मतलब बिल्कुल हल्के मूड में कुमार विश्वास बैठे हैं और कपिल मिश्रा को अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, एक तो ऑफिस उसमें में हंसी रखे हुए मजाक, हैं। हाँ वो हंसी मजाक में एक जो है कुमार विश्वास रिकॉर्ड करते हैं, तो बोलते हैं कि चलो टिकट भी घोषित कर देते हैं करावन नगर से कपिल मिश्रा। तो ये 2013 के बाद का वीडियो है, 2013 के मतलब 2013 के चुनाव के लिए का वीडियो है, यानी कुमार विश्वास को कपिल मिश्रा कुमार विश्वास को लेके मतलब कुमार विश्वास कपिल मिश्रा को लेके आना चाहते थे और उस पहली लिस्ट में उनका नाम हो, लेकिन वो 2013 में वो जीत नहीं पाए थे, 2015 में वो भले ही जीते क्योंकि चुनाव हुआ, 2013 में भी चुनाव लड़े, 2013 में जो पहली वाली शीला दीक्षित के सहयोग से सरकार बनी थी कांग्रेस के सहयोग से, उसमें कपिल मिश्रा जीत नहीं पाए थे, उसमें विधायक नहीं बन पाए थे, ये हार नहीं गए बन नहीं पाए थे, हार थे। गए थे, लेकिन 2015 में वो जीत गए, उसी सीट से लड़े, और मोहन सिंह बिष्ट को उन्होंने करीब 44,000 वोट से हराया था, जो अभी वहां पर विधायक है और पुराने काफी मतलब वो चार पांच पुराने बार के नेता है विधायक मोहन हुए सिंह हैं। बिष्ट, पॉपुलर लीडर है बिल्कुल, वहां पे। तो कपिल मिश्रा की अनबन इसी बात को लेकर हुई कि कुमार विश्वास चूंकि ढीले पड़ रहे थे पार्टी में, उनकी मौजूदगी कम हो रही थी, और वो देख रहे थे कपिल मिश्रा की कुमार विश्वास का भविष्य आम आदमी पार्टी में नहीं है, तो इसलिए वो झगड़ा करते रहे, हालांकि कुमार विश्वास बाद में गए पार्टी से बाहर, वो कपिल मिश्रा पहले चले गए थे। हाँ, अच्छा। तो इसलिए उनके ऐसा था, उन्होंने आरोप बहुत लगाए थे, करप्शन के आरोप लगाए थे जो कि वो साबित नहीं हो पाए थे, और शायद उस पर कोर्ट में भी इनको माफी माफी मांगनी पड़ी थी कपिल मिश्रा को, क्योंकि वो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप लगाया था, और जल मंत्री रहते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और राजघाट पर जाके अपने जो है अपनी पूरी पीड़ा बताई थी। और मैं कपिल मिश्रा के बारे में ये बता दूं कि इनका जो परिवार है वो पहले से बीजेपी से जुड़ा रहा है, और इनकी माता जी जो है अन्नपूर्णा मिश्रा शायद दिल्ली की मेयर वेयर भी रही है। हाँ, पूर्वी दिल्ली में जब 3 निगम होते थे, पूर्वी हाँ दिल्ली हाँ की मेयर थी वो हाँ 2012 से 2017 के कार्यकाल वाले में अच्छा। जी, वो और पहली महिला महापौर बनती है। और कुछ इनका बीजेपी से पुराना कनेक्शन कुछ और इस बारे में बताइए। ये कपिल मिश्रा ने 2010 में एक जो CWG घोटाले हुए थे उसको लेकर किताब लिखी थी करप्शन को लेकर, उससे सुर्खियों में आए थे उस किताब को लिखने के बाद, और उसमें शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने काफी बड़ा अभियान भी चलाया था, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया था, यूथ फॉर जस्टिस नाम से एक संगठन ये चलाते थे, उसके संस्थापक थे कपिल मिश्रा, और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, सोशल वर्क के पढ़ाई की हुई है इन्होंने, और उसी दौरान जब इन्होंने ये CWG का घोटाला उठाया तो एक करप्शन का आंदोलन चलने लगा, अन्ना आंदोलन आ आंदोलन। गया, बाबा रामदेव का आंदोलन आ गया, तो जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग थे वो अन्ना के साथ जुड़ने लग गए थे या बाबा रामदेव के साथ जुड़ने लग गए थे, इसी दौरान जो है कपिल मिश्रा जो है कुमार विश्वास के संपर्क में आए, क्योंकि कपिल मिश्रा अच्छे वक्ता भी है, वो बोल अच्छा लेते हैं, तो इसलिए वो कुमार विश्वास ने उनको पूर्वी दिल्ली की जिम्मेदारी दी, चूंकि वो भाजपा में रहे, उनकी माँ भाजपा में थी, तो उनको ये भी पता था कि संगठन कैसे खड़ा किया जाता है, संगठन कैसे चलाया जाता है, उसका एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, हालांकि उनकी माँ ने जब वो आम आदमी पार्टी में गए थे उनकी माँ ने कई बार अपने आप को अलग किया था कि वो मेरा उससे राजनीतिक कोई संबंध नहीं है, वो मेरा बेटा जरूर है। जब जब ये दोबारा इन्होंने बीजेपी की तरफ रुख किया, तो उसके बाद इनकी माता जी, इनके परिवार के लोगों का उस समय क्या वो रुख रहा, रवैया रहा, क्या क्या कहकर ये काफी बीजेपी खुश में गए। काफी काफी खुश थे, और इन्होंने तो जब भी बीजेपी में इस समय कोई भी शामिल होता है तो सब यही कहते हैं कि उनकी पसंद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो उनके कार्य से प्रभावित है, कपिल मिश्रा ने भी यही बात दोहराई थी, और चूंकि वो अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के वो पार्टी छोड़कर आए थे, तो बीजेपी ने 2019 में उनको हाथों हाथ ले लिया, हालांकि उस उनकी ज्वाइनिंग के समय पे मतलब काफी बड़े सीनियर विजय गोयल मौजूद थे, काफी सीनियर नेता मौजूद थे जब उनको पार्टी में शामिल कराया गया, उनको आश्वस्त किया गया था कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, और वो
फिर विधानसभा भी चुनाव भी मॉडल टाउन से लड़े, हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो जो है सक्रिय रहे। जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 के चुनाव के बाद जब दंगे हुए तो कपिल मिश्रा काफी सुर्खियों में आ गए और वो मौजपुर चौक पर जाके खड़े हो गए। वो बोले कि अब जो है जी 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 तो अब जो है हम क्योंकि ट्रंप आ रखा है तो इसलिए हम जो है अभी इससे हट रहे हैं, अगर दंगे हुए तो हम अगर फिर नहीं बख्शेंगे किसी को, और आज तो हम पुलिस के कहने से हट रहे हैं। तो काफी विवाद हुआ था और हेट स्पीच का मामला उनके ऊपर चल रहा था, प्रवेश वर्मा हो गए, कपिल मिश्रा हो गए, इनके बाद चल रहा था। तो कपिल मिश्रा अब चूंकि बीजेपी में आ गए हैं, और मैं आज आपको अर्जी ये लिख के देता हूँ, और मैं मुझे विश्वास है कि कपिल मिश्रा हो सकता है दिल्ली बीजेपी में अगले प्रदेश अध्यक्ष बने। बिल्कुल, आपसे मैं अगला सवाल यही करने वाला था कि मैं तो अक्सर मेरे चैनल पे जब भी कपिल मिश्रा के बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं, पहले भी उनका कभी जिक्र आया है, तो नीचे लोग हजारों की संख्या में कमेंट लिखते थे। वीरेंद्र सचदेवा के बनने से पहले लोग ये लिखते थे कि कपिल मिश्रा को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया। मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से बीजेपी में प्लानिंग होती है, एकदम किसी को बड़े पद पर बैठाते, मुझे लगता है उनका जो एलिवेशन है वो पार्टी में धीरे धीरे वो होता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से उन्हें उपाध्यक्ष पद पर उनकी एंट्री कराई गई है धमाकेदार तरीके से, मुझे लगता है कि संकेत तो यही है कि, और मुझे लगता है कि इसे लेकर बीजेपी ने अपनी कुछ स्ट्रेटेजी अब थोड़ी सी चेंज भी की है दिल्ली को लेकर। नहीं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कपिल मिश्रा ना एक चर्चित नाम है। अगर आप उनको देखेंगे दिल्ली बीजेपी में और भी नेता हैं, वो जब बोलते हैं तो उनकी एक, जैसे मनोज तिवारी हैं वो गायक हैं, सांसद हैं, सिने कलाकार हैं, तो उनकी एक अलग पॉपुलैरिटी है। और लेकिन कपिल मिश्रा चूंकि हिंदूवादी चेहरा अपने आप को घोषित करने में लगे हुए हैं, और मतलब वो बोलते भी हैं, हालांकि जब वो आम आदमी पार्टी में गए थे तो फिर इसी हिंदूवादी और आरएसएस को गालियां खूब दी है उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी में रहते हुए। तो इसलिए अब जो अब कपिल मिश्रा बीजेपी में है तो वो उसी स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ रहे हैं, और उनके इंटरनेट मीडिया पर मतलब सोशल मीडिया पर काफी दबाव था जब वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष बन गए, उसके बाद दबाव काफी था और लोग कह रहे थे। और अब जब कल जब उनकी घोषणा हुई तो काफी लोगों ने स्वागत किया, जो मंडल अध्यक्ष है जो पदाधिकारी बीजेपी के अभी के, उन्होंने स्वागत किया। तो कपिल मिश्रा के चूंकि चर्चित नाम है तो इनकी बात भी तवज्जो से जनता भी सुनेगी और मीडिया भी सुनेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब वो कहना चाहिए कि जो एक घर घर में जाना पहचाना नाम दिल्ली में कपिल मिश्रा आज की तारीख में होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो अपना हिंदू इकोसिस्टम वाला जो एक सेटअप अपना तैयार किया है उससे उन्होंने अपनी एक अलग इमेज बिल्डअप की है, और वो जगह जगह मैं देखता हूँ कि उन्हें वक्ता के रूप में बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। वो अभी भी भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष ना हो या कोई बड़ा पद उनके पास ना हो पार्टी में, लेकिन वो एक बीजेपी का जो कहते हैं ना कि एक आक्रामक जो चेहरा होता है उसका वो चेहरा तो से कपिल मिश्रा बन बीजेपी को चर्चा में लाने के लिए कपिल मिश्रा का नाम काफी आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष जब बने, जब प्रदेश की टीम बनी, और मुझे नहीं लगता कि वीरेंद्र सचदेवा जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनकी इतनी चर्चा हुई होगी जितनी राजनीतिक चर्चा जो है कपिल मिश्रा की हुई है। हालांकि दोनों ही हमारे मित्र हैं, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा तो पहले तो इंटरिम अध्यक्ष बने, भाई थोड़ा सा थोड़े से समय के लिए टेम्परेरी बनाए गए, फिर परमानेंट तो वो बाद में हुए, और वीरेंद्र सचदेवा थोड़ा अलग तरह के सज्जन टाइप के आदमी है, उनकी छवि थोड़ी है, एकदम दोनों विपरीत छवि है। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा का जहां तक मैं मानता हूँ, जिस तरीके से मैंने उन्हें देखा, उनकी बातें सुनी है, वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में है। जब ये पूरे देश में कहीं नहीं थी, जब कभी नहीं थे, पंजाबी वर्ग जो मदन लाल खुराना जी, विजय कुमार मल्होत्रा, वो वाली जो बीजेपी हुआ करती थी, साहेब सिंह वर्मा वाली उस दौर की, तो ये उसी पीढ़ी से निकल के आए हुए हैं वीरेंद्र सचदेवा, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन अब चूंकि चीजें बदल रही हैं तो नहीं, इसलिए बनाया भी वीरेंद्र सचदेवा को बनाया भी इसलिए, पंजाबी वर्ग से बनाया भी इसलिए अध्यक्ष था, क्योंकि 2000 जब ये हमारे 2022 में निगम चुनाव हुए तो पंजाबी सीटों पे आम आदमी पार्टी को जीत मिली, और पंजाब और आम आदमी पार्टी के पास पंजाबी वोट चला गया काफी है, जो कि बीजेपी का परंपरागत वोट था, तो बीजेपी उस वोट को वापस लेना चाहती है। और पंजाबी पिछले
कई मतलब पिछले दो चार 5 सालों में 6 सालों में पंजाबी बीजेपी में उपेक्षित भी हुआ है। मनोज तिवारी अध्यक्ष बन गए पूर्वांचल से, पूर्वांचल के कोटे से मनोज तिवारी अध्यक्ष बन गए, फिर आदेश गुप्ता वैश्य समाज के कोटे से बन गए। अब लेकिन चूंकि पंजाबी, वो पंजाबी वाले जो समुदाय है वो मानता था कि हमारी पार्टी जो है बीजेपी है, दिल्ली में ऐसी चर्चा मानी जाती थी, तो अब उनको नहीं, लेकिन जब वो एक शीर्ष पद पर कोई व्यक्ति उस समाज में बैठ जाता है तो ये जाहिर सी बात है कि उसी समाज के लोग संपर्क में आ जाते हैं, फिर वो उससे आगे बढ़ने लगते हैं, ऐसा ही होती है। तो अब चूंकि पंजाबी बन गए तो बहुत सारी चीजें, पंजाबी जो है महामंत्री फिर एक बार हर्ष मल्होत्रा को बनाया गया है इस बार की टीम में, और कई पंजाबी चेहरे भी है जो नई दिल्ली से चांदनी चौक से जो जिला अध्यक्ष थे वो फिर दोबारा रिपीट किए गए पंजाबी के उन्होंने। सही कहा आपने, यानी कि वही मेरा जो कहने का मतलब है, मदन लाल खुराना और इनकी वो, मदन लाल खुराना के बेटे भी तो कुछ पद है उनके पास, क्या नाम है? हाँ, वो उनको उनको वो काफी समय से प्रवक्ता थे हरीश खुराना को, इस बार सचिव बनाया गया, प्रदेश सचिव बनाया गया, ये भी अच्छा पद है, उनकी भी काफी तरक्की की गई है, मतलब इसको एक तरक्की मान सकते हैं क्योंकि वो काफी समय से प्रवक्ता का पद निभा रहे थे और वो बीते तो 2-4 सालों में काफी तरीके से उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा, अपनी मतलब वक्तव्य की शैली को उन्होंने सुधारा है और वो हर मुद्दे पर आरटीआई लगाकर वो आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। और ये हर्ष मल्होत्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के अभी दूसरी बार के महामंत्री बने हैं और ये पहले पूर्वी दिल्ली में महापौर थे और पूरी दिल्ली से संपर्क संबंध रखते हैं और ये इनकी जो सादरा जिला है वहां पर चूंकि रिफ्यूजी भी रहते हैं और उसको देखते हैं तो उस समुदाय को एकजुट कर रखने के लिए इनको फिर से बनाया गया और इनकी पकड़ भी अच्छी है। आलोक कुमार जो विश्व हिंदू परिषद के जो वो है कार्याध्यक्ष हैं, तो उनके उनकी एक समिति चलती है दरीची देदान समिति, उसके हर्ष मल्होत्रा अध्यक्ष भी है, तो काफी अच्छा है, ये सक्रिय है, मतलब काफी राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय है। तो अभी मुझे लग रहा है कि फिलहाल जो बीजेपी ने अभी टीम तैयार की है यहाँ पर, वो 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर अगले साल उसके 2025 के विधानसभा चुनाव तक यही टीम मैदान में रहने वाली है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तो ये टीम है, 2024 का परिणाम जो भी होगा, 2024 के बाद एक नई टीम मुझे लगता है बनेगी, जो भी परिणाम होगा, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के जैसे ही चुनाव घोषित होंगे और 2025 के चुनाव चूंकि फरवरी में होने होते हैं तो अक्टूबर नवंबर में एक नई टीम हम देखेंगे कि नई दिल्ली बीजेपी में नई टीम बन जाए। क्यों, उसमें क्या मतलब, क्या किस तरह अब नेक्स्ट क्या बदलाव देखेंगे आप, देख रहे हैं? क्योंकि जेपी नड्डा चूंकि वो लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष है और जैसे ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है तो एक परंपरा है बीजेपी की वो दूसरे अध्यक्ष भी, प्रदेशों के अध्यक्ष भी बदलते हैं, तो इसके नाते मुझे ऐसा लगता है कि जब वो वहां पर कोई नया अध्यक्ष आएगा तो इन प्रदेशों में भी अध्यक्ष बदले जाएंगे। ना, मुझे बीजेपी चूंकि अलग, मुझे लग रहा है कि आप ये कर रहे हैं कि कपिल मिश्रा बन जाएंगे शायद प्रदेश अध्यक्ष 2024 के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 का चुनाव कपिल मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी। अच्छा, चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी आज। और देखिए, आपने एक बात और सही कही कि मनोज तिवारी का भी नाम लिया आपने, आदेश गुप्ता का नाम लिया। दरअसल ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली जो है पंजाबियों की बसाई हुई, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ का जो मूल बीजेपी मानती है कि अपना 27-28% के करीब जो उसका मूल वोटर है, उसमें से मैक्सिमम पंजाबी जो उस समय भी वोट देते थे जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं रहता, जब कभी बीजेपी तो यहाँ पे ये वो दिल्ली है जिसमें मनमोहन सिंह और कुमार मल्होत्रा ने लोकसभा का चुनाव हरा रखा है, जिस दिल्ली से ये वो पैसा भी देते थे, पंजाबी पंजाबी पैसा भी देते थे और वोट भी देते थे। हाँ, मतलब चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है तो पैसा भी देते थे और वोट। हाँ, वो साम दाम दंड भेद हर तरीके से बीजेपी के साथ अड़कर साथ थे। बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले मनोज तिवारी को, मुझे लगता है कि मनोज तिवारी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, ये आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एकदम खड़ी हुई थी, ये उसका काउंटर करने की एक प्लान बनाई गई थी। दो प्रयोग बीजेपी के फेल रहे हैं, किरण बेदी को रिप्रेजेंट करना, डॉक्टर हर्षवर्धन को पीछे करना, एक वो फेल रहा इनका प्रयोग, और दूसरा
एक बाहरी आदमी को, मनोज तिवारी जो पूर्वांचल से आते हैं, उनको यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बना देना सिर्फ इस दबाव में कि पूर्वांचली वोट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी से, दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष थे, और चूंकि पूर्वांचल वोट एक तरफा 2015 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भी, मतलब जो है आम आदमी पार्टी की तरफ गया, आम आदमी 2015 के जो चुनाव नतीजे आए उसमें पूर्वांचल वोट बीजेपी को बहुत कम मिला था और सारे एक तरफा, इसलिए 2017 का निगम चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूर्वांचल के चेहरे को मानते हुए मनोज तिवारी को उतारा और पूर्वांचल का एक नेता मतलब दिल्ली के लोगों को दिया, ऐसा बीजेपी की स्ट्रेटजी थी। मुझे लगता है वो प्रयोग इनका फेल रहा और अब बीजेपी जो है उसी को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो नियाल जी, आज आपने बढ़िया जानकारी दी, कपिल मिश्रा पर नजर बनाए रखिए, और वीरेंद्र सचदेवा जी जो है आपके मित्र हैं मुझे पता है, और ये वीडियो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। तो बड़ा तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और मतलब हमने जो नाम दिल्ली बीजेपी की टीम की गठन होने से पहले जो हमने नाम सामने रखे जनता के, पाठकों के सामने अपने, उसमें से 90% नाम जो है वही निकल के आए जो हमने रखे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आगे भी आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और दिल्ली की बढ़िया जानकारी हमें देते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।